आज के वीडियो में आपको बता रही हूँ कि पेड़ों से एनर्जी कैसे ग्रहण करें। कुछ खास तरह के पेड़ होते हैं जिनमें ज़बरदस्त एनर्जी का वास होता है और उनसे लिपट कर चिपक कर आप एक खास तरह की एनर्जी अपने भीतर समाहित कर सकते हैं, अपने ज़िंदगी के कष्टों को कम कर सकते हैं ये प्रक्रिया करके। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर उमा श्री, आपकी अपनी ज्योतिषी। नित नई ऐसी जानकारी आपको देती हूं जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ यहीं मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 23 वर्षों की मेरी साधना, मेरे ज्योतिषीय ज्ञान का लाभ उठाइए। मैं नित नए आपके लिए अनुसंधान करती हूँ जिससे कि आपके जीवन को खुशियाँ मिल सकें मित्रों, और इसी तरह से तरह तरह की जानकारी मैं आपको देती हूँ। मैं आउटडेटेड सब्जेक्ट्स पर वीडियो नहीं बनाती हूँ, ऐसे सब्जेक्ट्स हल्दी कपूर जिन पर दुनिया भर की वीडियो बन चुकी हैं, जिनमें कुछ अब बताना बाकी ही नहीं रहा है। कुछ लोग ऐसे विषयों को चुनते हैं क्योंकि उनके पास कुछ और नहीं है आपको बताने के लिए, लेकिन यहाँ एक ऐसी जानकारी मैं आपको देती हूँ जो बिल्कुल नई और सटीक होती है और जो आपके लिए काफ़ी पसंद भी की जाती है आपके द्वारा। तो मित्रों, इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिए और इस दुर्लभ ये जानकारी को प्राप्त कीजिए। सब कुछ परमात्मा का आशीर्वाद है, सिर्फ मैं अपने मुखारविंद से आपको बताती हूँ, बाकी ये सब परमात्मा की ही देन है मित्रों, उन्हीं का आशीर्वाद है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और एक दुर्लभ जानकारी मैं आपको बताती हूँ। आपको किन किन वृक्षों का चयन करना है, मतलब कोई भी एक वृक्ष आप चयन कर सकते हैं इस प्रक्रिया के लिए, और इसके लिए कौन से वृक्ष सर्वश्रेष्ठ होते हैं, आइए वो जान लेते हैं। इस प्रक्रिया के लिए सर्वोत्तम वृक्ष होता है पीपल का वृक्ष। दूसरे नंबर का जो वृक्ष है वो वट वृक्ष है। तीसरे नंबर पर आता है नीम का वृक्ष। अगर आपके आसपास ये किसी भी वृक्ष नहीं है, कोई से भी वृक्ष नहीं है, तो आंवले का वृक्ष है तो उसके नीचे भी आप ये काम कर सकते हैं, या फिर केले का पेड़ भी आप चयनित कर सकते हैं। वैसे तो बहुत लंबे चौड़ी लिस्ट है जिसमें काफ़ी वृक्षों का चयन आप कर सकते हैं, पर सामान्य तौर पर ये जो वृक्ष हैं ये सर्वोत्तम कहे गए हैं और इन्हीं से लिपट कर आपको ये काम करना है जो अब मैं आपको बता रही हूँ, जो कि आपको सर्व मंगलकारी है, आपकी सभी सिद्धियां आपको देने वाला है और आपके जो काम है ना उनमें जबरदस्त बदलाव आएगा। जो अब तक नहीं हो रहे थे वो काम मित्रों अब आपके होने लगेंगे। ये काम आपको सुबह सुबह से लेकर और सूर्यास्त से पहले करना है, उसके बाद में नहीं करना है। तो जो वृक्ष मैंने आपको बताया वो आपने चयनित कर लिया, एक दिन पहले उस वृक्ष को रिक्वेस्ट करनी है कि मैं कल आपके पास आकर आपका आशीर्वाद ग्रहण करूँगा या करूँगी। अगले दिन स्वच्छ जल का एक लोटा भरकर स्वयं भी स्नान वगैरह कर लें और स्वच्छ जल से भरा हुआ लोटा ले जाकर उसमें जल भर लीजिए और उस जल को वृक्ष देवता को अर्पित करते हुए ये शब्द बोलिए कि हे वृक्ष देवता, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, कृपा करके आपके अंदर जो बहुत ज़्यादा प्राण शक्ति विद्यमान है, जो जीवनी शक्ति विद्यमान है, उसका कुछ अंश मुझे प्रदान करें और मेरे जीवन की जो सुख समृद्धि है उसमें अपना सहयोग करें। जल अर्पित करने के बाद आप वृक्ष देवता से एक मिनट आपको जो मैंने बात बोली वो बोलकर और लिपट जाना है, चिपक जाना है और आंखें मूंद कर उनके असीम स्नेह को स्वयं भी ग्रहण करना है और अपने द्वारा भी असीम प्यार स्नेह भावना फीलिंग्स उनमें भेजनी है। इसके बाद वृक्ष देवता से आपने एनर्जी मांग ली, वो शब्द आपने बोल दिए, उसके बाद वृक्ष देवता की आपको कम से कम 8 परिक्रमा लगानी है और ये महसूस करिए कि वृक्ष देवता आपको प्राण शक्ति जीवनी शक्ति प्रदान कर रहे हैं, उससे आपका शरीर ओतप्रोत हो रहा है। वृक्ष देवता के समीप खड़े होकर श्वास को गहराई से अपने अंदर प्रवेश करने दीजिए। सांस जब अंदर प्रवेश करेगी तो ये महसूस करिए कि वृक्ष देवता अपनी सारी प्राण शक्ति अपनी जीवनी शक्ति आपको दे रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर तो वापस से जीवनी शक्ति फटाफट बनती रहती है, एनर्जी का फ्लो बराबर बना रहता है, तो कितने भी लोगों को वो अपनी एनर्जी दे दें उनकी एनर्जी कभी समाप्त नहीं होती है। इसमें एक चीज़ का ध्यान ये रखना है कि जिस भी वृक्ष के समीप आप ये काम करेंगे वो वृक्ष सूखा या उसकी कोई भी डाल सूखी नहीं होनी चाहिए, पूर्ण रूप से हरा भरा होना जरूरी है। इसके अलावा वो जो वृक्ष है किसी शमशान के आसपास नहीं होना चाहिए, ऐसी जगह जहाँ आपको लगता है नेगेटिव एनर्जी का वास है, जहाँ पर आसपास बहुत धुआं वगैरह होता है, ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए। वातावरण बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए और वहीं पर किसी वृक्ष का चयन आपको करना है। तो वृक्ष से लिपटकर वृक्ष का आशीर्वाद लीजिए और फिर देखिए जिंदगी में कितना बदलाव होता है, सुखद परिवर्तन आपकी ज़िंदगी में आता है और आपको ऐसा महसूस होने लगेगा कि कोई शक्ति आपके साथ हमेशा विद्यमान है और जो आपके काम नहीं बन रहे थे वो काम आपके बनने लगेंगे, आपका बिजनेस चलने लगेगा, रोजगार आपका पनपने लगेगा, पैसा आने लगेगा, घर में सुख शांति रहने लगेगी। घर के सभी सदस्य ये काम कर सकते हैं।